तो दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में कई तरह के टीवी, स्मार्ट टीवी अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी तरीके के अलग अलग बढ़िया फीचर देखने को मिलते हैं। किसी में मिलता है आपको एंड्रॉयड टीवी, कोई मिलता है आपको स्मार्ट टीवी जिसमें कि आप कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई मिलता है आपको टीवी जिसमें कि आप फोन की एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, किसी की HDR डिस्प्ले है, किसी की 4K डिस्प्ले है, किसी की LED है, किसी की LCD है। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं माइंड में कि कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा लेना। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ बेस्ट टीवी अंडर 25 to 50,000, और टोटल आपको पांच बेहतरीन से टीवी के बारे में बताऊंगा। और ये पांचों ही टीवीज काफी बढ़िया होने वाली है, फुल्ली फीचर लोडेड होने वाले हैं और एकदम स्मार्ट टीवी है पांचों के पांच। और जिस भी टीवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज वीडियो में, वो सभी के सभी मैंने काफी ज्यादा रिव्यू देखने के बाद, काफी ज्यादा रिव्यू चेक करने के बाद, कस्टमर रिव्यू, ब्रांडिंग, उसके बाद आपको बताने वाला हूँ कौन से बेस्ट 5 टीवी रहेंगे आपके लिए 25 से 50,000 के अंदर। और दोस्तों, ये सारे ही टीवीज 4K 43 इंच के साइज में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आता है रेडमी का स्मार्ट टीवी X43। तो ये एक 4K अल्ट्रा HD एंड्रॉइड स्मार्ट LED टीवी है, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर भर भर के दिए गए हैं। एंड 178 डिग्री का वाइड व्यूइंग एंगल है। इसका मतलब ये होता है कि आप साइड से, दूर से, लेफ्ट से, राइट से भी अगर टीवी को देखेंगे तो आपको जो कलर है वो एकदम एक्यूरेट दिखाई देंगे। तो उसी को बोलते हैं 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल। इस स्मार्ट टीवी की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ये सपोर्ट करता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 मिलता है आपको लेटेस्ट, 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं आपको, डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिलता है। एंड स्पीकर आउटपुट की बात करें तो इसके अंदर आपको 30 वॉट्स का स्पीकर मिलता है जो कि डॉल्बी ऑडियो प्रोड्यूस करता है। तो ये एंड्रॉयड टीवी 10 पे बेस्ड है और ये कई तरीके की एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, यूट्यूब, एप्पल टीवी। 5000 प्लस ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे इस टीवी के अंदर। एंड दोस्तों, साथ ही साथ ये HDR10 सपोर्ट करता है। HDR10 का मतलब होता है कि आपको बहुत ही फाइन, बहुत ही बेस्ट पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है इस टीवी के अंदर। सो ओवरऑल ये रेडमी की तरफ से आने वाला 43 इंच का 4K डिस्प्ले के साथ काफी बढ़िया टीवी है। तो इसके हाईलाइट पॉइंट्स की बात कर लेता हूं। 4K HDR सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, विविड पिक्चर इंजन है इसके अंदर, क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, 30 वॉट्स का डॉल्बी ऑडियो साउंड मिलता है और एंड्रॉइड टीवी 10 पर बेस्ड है। तो गाइस, बात करें इसके वारंटी की, तो इसके ऊपर आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, प्लस आपको 1 ईयर की जो डिस्प्ले पैनल है उसकी भी वारंटी मिलती है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये इस टाइम आपको अमेजोन पे मिलेगा 27,000 के अराउंड, और इसका बेस्ट बाइंग लिंक दिया गया है गाइस वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट और परचेज वहां से कर सकते हैं। तो बात करें अपने फोर्थ टीवी की, तो यहां पे आता है हाइसेंस की तरफ से 43 इंच का बेजललेस सीरीज 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी। एंड बात करें हाइसेंस ब्रांड की, तो बहुत लोगों के लिए इसका नाम नया होगा इस ब्रांड का, और बहुत लोग सोचेंगे कि ये कोई हाइसेंस लोकल ब्रांड है, बट गाइस मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है टीवी बनाने के मामले में, और अच्छी खासी क्वालिटी के टीवी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। तो ये भी एक 4K LED टीवी है, इसमें भी आपको फीचर एकदम भर भर के बहुत अच्छे मिलते हैं। 60Hz का रिफ्रेश रेट है इसके डिस्प्ले में, 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है, और बात करें कनेक्टिविटी की तो 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं और डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, प्लस ब्लूटूथ लेटेस्ट 5.1 का सपोर्ट मिलता है। अगर इसके स्पीकर आउटपुट की बात करें, 24 वॉट्स के आउटपुट स्पीकर मिलते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड गाइस, ये भी एक स्मार्ट टीवी है, तो फीचर इसके अंदर आपको भर भर के दिए गए हैं, मतलब आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार, सोनी लाइव, हंगामा, जियो सिनेमा, G5, इरोज एंटरटेनमेंट, मतलब काफी ज्यादा एप्लीकेशन की लिस्ट है जो कि इसके अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं इस टीवी के साथ। एंड जो इस टीवी का डिस्प्ले पैनल मिलता है, वो मिलता है आपको 10 बिट का एक HDR पैनल, मतलब पिक्चर क्वालिटी अगेन इस टीवी के अंदर भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया मिलने वाली है। एंड HDR का मतलब ये भी होता है कि टोटल आपको 1 बिलियन कलर ये टीवी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस टीवी की सबसे खास बात यह है कि आप वॉइस कमांड दे के इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइस, ये भी एक काफी अच्छा हाइसेंस की तरफ से आने वाला 43 इंच का 4K LED डिस्प्ले टीवी है, और जो इसका लुकिंग वाइज, जो इसका डिजाइन है ओवरऑल, वो भी देखने में एकदम बेजललेस और काफी ज्यादा आपके रूम को काफी, ये अगर आप अपने रूम पे कहीं हॉल पे इस टीवी को इंस्टॉल कराते हैं तो आपके रूम की, आपकी हॉल की खूबसूरती, ब्यूटी और बढ़ जाएगी। एंड बात करें इस टीवी की वारंटी की, तो 2 ईयर्स की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलती है ओवरऑल इस टीवी के ऊपर। इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये इस टाइम आपको अमेजोन पे मिल जाएगा बड़े आराम से, समथिंग अबाउट
27,000 के आसपास, बाकी बेस्ट बाइंग लिंक दिया गया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर अब बढ़ते हैं अपने हम एक अच्छे खासे ब्रांड के टीवी की तरफ, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का 43 इंच का क्रिस्टल 4K नियो सीरीज अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी। एंड गाइज, इस टीवी की सबसे खास बात ये है, ये थर्ड नंबर पर किस लिए आता है, जो मैंने बताया आपको रेडमी का टीवी और उससे पहले बताया मैंने आपको हाइसेंस का टीवी, तो यहाँ पे सैमसंग का ये थर्ड नंबर पर इसलिए आता है कि उन दोनों के कंपैरिजन में रेडमी और हाइसेंस, यहाँ पे आपको इस सैमसंग के टीवी में बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, बेस्ट डिटेल मिलती है आपको वीडियो में। हालांकि यहाँ पे जो उसका पैनल है वो सपोर्ट करता है 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को, बट यहाँ पे फिर भी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है टीवी के लिए, वो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है क्रिस्टल 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले। एंड कनेक्टिविटी की बात करें, 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, 1 USB पोर्ट मिलता है। एंड साउंड आउटपुट की बात करें तो वो थोड़ा सा कम मिलता है आपको यहाँ पे, आपको इसमें 20 वॉट्स के आउटपुट के स्पीकर दिए गए हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं डॉल्बी विजन को, डॉल्बी एटमॉस को। एंड दोस्तों, ये भी एक HDR10+ सपोर्ट करने वाला डिस्प्ले है, और ये HDR10 अलग होता है, HDR10+ अलग होता है। तो रेडमी और हाइसेंस के मुकाबले आपको यहाँ पे मिलता है HDR10+ डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले क्वालिटी, मैंने इसीलिए बोला था गाइस कि सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, इसीलिए टीवी आता है ये थर्ड नंबर पे। एंड इसके अंदर भी आप कई सारे एप्लीकेशन को डाल के इन्जॉय कर सकते हैं, मतलब नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जी न्यूज, Z5, कई तरीके के एप्लीकेशन आपको इस टीवी के अंदर सपोर्ट करने को मिलते हैं। एंड गाइस, इस टीवी को भी आप वॉइस कमांड देके कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बात करें इस टीवी की डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा एकदम स्लीक है, बेजललेस है, और ओवरऑल लुकिंग वाइज ये स्मार्ट टीवी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और अच्छा लगता है। सो अब बात करें इसके वारंटी की, तो 1 ईयर की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलती है ब्रांड की तरफ से। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस टाइम आपको अमेजोन पर मिल जाएगा ये 32,000 के अराउंड। तो इसको भी जाके आप दिए हुए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं कि इस टाइम आपको क्या प्राइस मिलता है, 32 या 33। एंड गाइस, जो अगले नेक्स्ट टीवी आने वाले हैं सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का, तो मैं आपको बता दूं कि सभी पांचों के पांचों टीवी में आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर मिलते हैं, सबके सब फुल्ली लोडेड फीचर के साथ है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो आता है पिक्चर क्वालिटी का, साउंड क्वालिटी का। सो बेसिकली मेन हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड और फर्स्ट टीवी में उसी के बारे में, क्योंकि और सारे फीचर आपको सबके सब मिलते हैं इन सभी टीवी में। तो यहाँ पे मेन मुद्दे की बात आती है पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी। सो सेकंड नंबर पे आता है LG की तरफ से 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी, और ये भी 43 इंच का टीवी है। एंड इसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें, 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, सेम जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 1 USB पोर्ट मिलता है आपको, और 20 वॉट्स का आउटपुट मिलता है, जो कि अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड गाइज, ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिफाइन है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल देखने को मिलती है अगर आप कोई भी वीडियो कंटेंट इन्जॉय करते हैं इस टीवी में। और सबसे खास बात यह है कि आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है इस टीवी के अंदर। एंड यहाँ पे भी आप कई तरीके के एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, Z5, डिस्कवरी, जियो चैनल, सोनी लिप, Z5, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, मतलब ओवरऑल आपको फुल्ली फीचर लोडेड टीवी मिलता है। एंड अब बात कर लेते हैं इस टीवी की वारंटी की, तो आपको 1 ईयर की टोटल प्रोडक्ट वारंटी मिलती है। एंड इसके प्राइस की बात करें तो वो आपको इस टाइम अमेजोन पर मिल जाएगा 30,000-31,000 के अराउंड। उसका भी लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं अपने सबसे फर्स्ट नंबर के टीवी की, जो कि आता है सोनी ब्राविया 43 इंच का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी। एंड अगेन मैंने आपको बताया कि सब में आपको टीवी में ओवरऑल फीचर सबके सब पांचों में सेम मिलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली पिक्चर क्वालिटी की, तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है, डिटेल मिलती है आपको सोनी के इस टीवी में। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे LG की पिक्चर क्वालिटी भी, सोनी की पिक्चर क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंट है, बट यहाँ फिर भी सोनी का ये टीवी आता है फर्स्ट नंबर पे पिक्चर क्वालिटी को लेके। एंड ये भी सपोर्ट करता है 4K HDR। गाइज, ये HDR सपोर्ट करता है, HDR10+ सपोर्ट नहीं करता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ फिर भी HDR भी काफ़ी बेटर होता है। एंड गाइज, ये भी आता है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के पैनल के साथ डिस्प्ले में, और यहाँ पे आपको 178 का डिग्री का व्यूइंग एंगल मिलता है, प्लस ये भी एक 4K HDR डिस्प्ले है, HDR 10+ डिस्प्ले नहीं है ये। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो वैसे नहीं होता है,
HDR HDR 10 Plus में, बट हाँ HDR भी काफ़ी ज़्यादा बेटर डिस्प्ले होती है और ये भी कैपेबल होती है आपको 1 बिलियन कलर शो करने में। एंड दोस्तों इस टीवी के अंदर भी आपको 20 वॉट्स का आउटपुट स्पीकर मिलता है जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी ऑडियो। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं प्लस 2 USB पोर्ट मिलते हैं। ओवरऑल ये सोनी का टीवी आता है फर्स्ट नंबर पे 43 इंच का 25-50,000 के अंदर, और यहाँ पे ओवर लुकिंग वाइज भी ये टीवी काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इस टाइम आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा 43-44,000 का। एंड गाइज इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक दिया गया है वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज मेरे ख्याल से अगर आपको इस वीडियो में बहुत जानकारी मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक और बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके।